उधर आपको बता दें कि फरीदाबाद में अब 4 मंजिला इमारतें नहीं बन पाएंगी। अब तक बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर बहुमंजिला इमारत खड़ी करके प्रति फ्लोर के हिसाब से बेच दिया करते थे और आम वर्ग का, आम आदमी का मकान बिल्कुल बौना सा दिखाई देता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने तत्काल आदेश में अब 4 मंजिल इमारत पर रोक लगा दी है। इससे बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलरों को जितना नुकसान होने वाला है उतना ही फ्लैटों में फ्लोर खरीदने वाले ग्राहकों को भी होगा। जो हरियाणा सरकार ने इमारत जो बनती है चार, उन पर रोक जी लगा दी गई है, हाँ जी कितना फर्क पड़ेगा लोगों को? सर, इस पे बिल्डर पे और कंज्यूमर पे दोनों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एवरेज आम पब्लिक पे पड़ेगी, जो पहले 4 फ्लोर बिकते थे अब वो 3 फ्लोर हो जाएंगे, तो वो उनका एड्रेस हो तो 3 फ्लोरों पे आ जाएगा और वो सारा कस्टमर पे पड़ेगा। देखो, अगर हम एक एंड यूजर के नज़रिए से कहें, खासकर जिसे एक अपने बच्चों के लिए एक मकान की ज़रूरत है, छत की ज़रूरत है, तो उसके लिहाज से कहें तो ये जो सरकार निर्णय लेके आई है, ये कहीं ना कहीं वो उसका जो सपना है घर लेने का, उसे दूर हो रहा है वो, क्योंकि रेट बढ़ेंगे। जो वो एक 60 और 70 लाख का एक फ्लोर ले सकता है, अब वो उससे वो फ्लोर की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाएगी। फर्क पड़ेगा बिल्डर पे भी, लोगों पर भी, सब सब पर फर्क पड़ेगा। सेल परचेज में दिक्कत आएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, कंज्यूमर में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले बिल्डर क्या कि 4 फ्लोर बेचते थे, अब 3 ही बेच पाएंगे, उनको भी उनसे भी दिक्कत आएगी, उनको भी उसकी कॉस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले कम हो जाती थी, वो 4 फ्लोरों में कॉस्ट निकल जाती थी बिल्डर को, तो फर्क तो सभी पड़ना था।